सो बाइक की ये कंडीशन है, आप ये देख सकते हो। ये आज मैं इस पे ऑयल चेंज करने वाला हूँ, जिस जो कि मोटुल का 10W50 डालूँगा। सो ये रहा मोटुल का 10W50, 100% सिंथेटिक इस्टर ऑयल है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया, जो कि मुझे ऑफ़र पे मिला है 645 रुपीज़ का। और ये इस बाइक के लिए अच्छा है। और एक बार ये आप देख लीजिए इसका चैन स्पॉकेट का क्या हाल है, ये कितनी गंदगी है। इसको मैं पूरा फुली साफ़ करूँगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स भी लगे हुए हैं। और ये देखिए इधर पे कितनी गंदगी है। सो इसको मैं साफ़ करूँगा। इससे पहले आपको बाइक को गर्म करना है, और इसके लिए मैंने ऑयल फ़िल्टर भी लाया हुआ हूँ मैं। ये ऑयल फ़िल्टर है अपाचे 160 का, 42 रुपीज़ का पड़ा है। 11/2019 की पैकिंग डेट है इसकी। और जब कभी भी आप ऑयल चेंज करो तो ये ज़रूरी है, ये आप ज़रूर करो। ऑयल फ़िल्टर ज़रूर चेंज करो, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। और ये 10W50 ग्रेड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल पे मेरे बाइक पे हीटिंग इशू आया था, प्लस बाइक पे वाइब्रेशंस हैं। इसके लिए मैं बाइक पे मॉस टू शूटर भी यूज़ करूँगा। ये रहा मॉस टू शूटर, जिसका मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। और ये रहा मॉडल 10W50, और ये रहा ऑयल फ़िल्टर। सबसे पहले आपको पहले बाइक को गर्म करना पड़ेगा, इसके बाद ऑयल ड्रेन बोल्ट जो लगा हुआ है, जो कि ये है ऑयल ड्रेन बोल्ट, ये वाला, इसको खोलना है और किसी भी जगह पे डालना है। अभी मैं बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ। बाइक को स्टार्ट कर लिया मैंने, और अभी मैं इसकी चेन क्लीन करता हूँ। इसकी मैं अभी चेन क्लीन करूँगा। ये अभी देख लीजिए कंडीशन चेन की। अभी बाइक को गर्म कर लेते हैं, फिर आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बॉटल लगा दिया है, और ऑयल बोल्ट को हल्का रिलीज़ कर दिया है। अब ऑयल बोल्ट को पूरा खोल देते हैं, और फिर इस पे इंजन ऑयल निकल जाएगा। सो ये रहा इंजन ऑयल, इसमें ये देख लीजिए चिकनाहट बहुत थी, और यहाँ पे ये देख लीजिए कुछ पार्टिकल्स थे, जो कि ऑयल फिल्टर चेंज करना है, और इसका ये अच्छे से ड्रेन ऑफ हो जाए, इसके बाद ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए ये 3 बोल्ट जो लगे हुए हैं, इन 3 बोल्ट को निकालना है। अभी जस्ट निकालना है इन 3 बोल्ट को, इसके बाद ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा अपना। पुराना वाला निकाल देना है और न्यू उस पर अटैच कर देना है। ये देख लीजिए अपना कुछ इतना ऑयल निकला हुआ है बाइक से, अभी हल्का हल्का सा निकल रहा है। ये देखिए अभी ऑयल फिल्टर निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिल्टर निकालने के लिए अपन को ये 3 बोल्ट दिए हुए हैं, जिनको आपको रिलीज़ करना है हल्का। जब आप रिलीज़ करोगे तो यहाँ से हल्का ऑयल लीकेज होगा। ये देखिए ऑयल जो भी बचा हुआ है वो निकल जाएगा। अभी इसको खोल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए ये वाला बोल्ट खोलते हैं अपन तीनों, जो कि आप पहले ऑयल का ड्रेन बोल्ट खोल लीजिए, उसके बाद इसको खोलिएगा, वरना इसका जो प्रेशर बना होगा, जो कि ऑयल फिल्टर के थ्रू निकल आएगा। ये लीजिए इसका कैप हमने हटा दिया है। अब इस ऑयल फिल्टर को, जो कि नया लाए हैं, उसे रिप्लेस करेंगे। कुछ इस तरह आप इसको निकाल लीजिए, चाबी की हेल्प से निकाल लीजिए आप, क्योंकि ये बोल्ट से निकल नहीं रहा है। और ये देख लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी है ऑयल फ़िल्टर की। इस पर कुछ भी पार्टिकल्स अगर जो अननेसेसरी होते हैं, तो ये ऑयल फ़िल्टर से फ़िल्टर्ड होके डायरेक्टली कोई इशू नहीं आता इंजन में एक्चुअल पे। सो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो हर टाइम जब आप ऑयल रिप्लेसमेंट करें तब इसको ज़रूरी है। फिर किसी कपड़े से ये जो अंदर का जो ऑयल वगैरह है पूरा टैंक का, ये इसको साफ़ करिए, फ़िल्टर वाला जो ऑयल है यहाँ पर,
ओवरऑल पूरा इसको साफ़ करने के बाद न्यू के साथ रिप्लेस कर दीजिए, नया जो नया TVS के सर्विस सेंटर से हम लेके आए हैं ये ऑयल फिल्टर, उसको यहाँ पे फिट कर देते हैं और जो इसके बोल्ट लगे थे उसी तरीके से इसके बोल्ट लगा देते हैं। ये इसको साफ़ कर लिया पूरा अच्छी तरीके से हमने, और अब ये ऑयल बोल्ट जो है, सॉरी ऑयल फिल्टर लगा के इसके बाद इसके बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे जिससे कि ऑयल कहीं से रिलीज़ नहीं हो। ये रहा कुछ अपना ऑयल फिल्टर, इसको अनपैक कर लिया अपन ने जो पैकेज पे आता है। 11/11/2019 की पैकेजिंग थी, इसको मैंने आपको पहले दिखाया है, अभी हाल का पैकेजिंग है। अब इसको पैक कर दिया है अपन ने। इसके बाद अपन को करना है ऑयल जो अपन यूज़ करने वाले हैं 10W50 ग्रेड का जो है, जो कि मोटुल का है, फुली सिंथेटिक ऑयल है। इस ऑयल को अपन इस पे फिल करते हैं। ये देख लीजिए कुछ मोटुल की ऐसे पैकेजिंग होती है, इसको आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे तभी खुलेगा। उसके बाद ये जो रेड कलर का खोल रहा हूँ मैं इसका कैप, इसके अंदर भी एक कैप होता है जो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ये देख लीजिए इसको खोल दिया मैंने। सो इसको रखते हैं साइड पे, और ये जो मोटुल का ऑयल है इसको फिल करते हैं अपने इंजन ऑयल जहाँ पे फिल होते हैं उस कैप को अपन निकाल देते हैं, और जगह को साफ़ कर लीजिए। कुछ भी पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट अपना रेत वगैरह के पार्टिकल्स इस पे नहीं जाना चाहिए। सो इसको फिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। आगे एक्चुअल पे जो लिक्विड मोली का टेंड ओ सॉरी लिक्विड मोली का मॉस टू शूटर जो अपन ख़रीद के लाए हैं उसको अपन को इस पे डालना है, जो कि 1 लीटर पे 20 ml डालना होता है अपन को। सो पूरा 1 लीटर अपन इंजन ऑयल डाल लेते हैं, इसके बाद लिक्विड मोली का मॉस टू शूटर इस पे ऐड करेंगे जो कि एडिटिव है। ये लिक्विड मोली का इंजन एडिटिव है जो कि इंजन पे जो अननेसेसरी वाइब्रेशन एंड हीटनेस है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा वो। सो ये डाल दिया है, अब बारी आती है लिक्विड मोली के मॉस टू शूटर की, जो कि मैंने परचेज़ किया था। इसकी वीडियो आपको इससे पहले आ गई होगी, इसको आप बिल्कुल देख लीजिए। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो है एक्चुअल पे कि कैसा है कैसा नहीं है, इसके साथ क्या आता है पैकेजिंग पे, और ये अच्छी तरीके से इसका इंजन ऑयल बॉटल से निकाल लीजिए और डायरेक्टली इस पे पुट अप कर दीजिए। सो इंजन ऑयल डाल लिया है, अब थोड़ा सा इस सरफेस को साफ़ कर लीजिएगा हल्का सा कि कोई भी डस्ट के पार्टिकल्स सैंड वगैरह के कोई भी हल्के फुल्के छोटे से स्टोन वगैरह नहीं आए इसके अंदर। अब अपना मॉस्टू शूटर की बारी है, ये देख लीजिए ये मॉस्टू शूटर है जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो पे आ गया हुआ इसका। इसको डायरेक्टली खोलेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सीली सील होती है उसको एक्चुअल पे आपको कट करना होता है, या फिर नाइफ से कर लीजिए कट, या फिर कि सीज़र वगैरह लेके कट कर लीजिए। और इसके बाद अब जैसे मैंने इसको कट कर लिया, सो अब इसको अपन डालेंगे इंजन पे जो कि कुछ गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का होता है। सो इसको डालने के बाद आपको बाइक को 5 मिनट्स तक आइडल कंडीशन पे, मीन टू से आपको ज़्यादा रेवअप भी नहीं देना है और ज़्यादा कम भी नहीं रखना, एकदम नॉर्मल कंडीशन पे, जैसे आप हल्का हल्का एक्सीलरेशन दीजिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है बाइक को 12-5 मिनट के लिए, इसके बाद आपको नॉर्मल जैसे आप चलाते हो बाइक वैसे आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी वाइब्रेशन है बाइक की, हीटिंग इशू है, बिल्कुल कम हो जाएगा, बाइक का परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और बाइक का जो आपका स्मूथनेस है बिल्कुल गियर के स्मूथनेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल पे अपन ने परफॉर्मेंस पैक एक टाइप सा डाला है। एक्चुअल पे इस पे लिक्विड मोली का परफॉर्मेंस पैक भी मैं ट्राई करूँगा जो कि नेक्स्ट सर्विसिंग टाइम पे करूँगा। ये इसको मैंने डाल दिया है मॉस्टो शूटर जो था अपना एडिटिव, मॉस्टू शूटर एडिटिव डालने के बाद अब आपको हल्का ऊपर का क्लीन करना है कैप। ये देख लीजिए कुछ इस टाइप सा सब्सटेंस है ब्लैक सा, जिसमें कि चिकनाहट है एक्चुअल में। ये आपके बाइक बाइक का वाइब्रेशन एंड जो अननेसेसरी आवाज़ आती है और हीटिंग इशू आता है, माइलेज का इशू आता है, माइलेज में ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्के से 10 से 20% का आता है चेंज। सो इसका इंजन ऑयल कैप बंद करते हैं, और थैंक यू, आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आपको बहुत थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।